हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम ऑटिक इजी पर भैया भौजी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। भैया जी आप लोग तो जानते ही हैं कि अपना दरभंगा एयरपोर्ट बुलंदियों पर जा रहा है। ऐसे में आज जो हम आपको बताने वाले हैं ना चचा फूफा वो आपके बहुत ही काम की चीज है। अगर आप खासकर कोसी सीमांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं ना दीदी भैया तब तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, काहे कि आपके ही फायदे की बात करने वाले हैं। देखिए क्या है ना भैया जी, दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से पहले ना कोसी सीमांचल के 7 जिले पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार सहरसा मधेपुरा के लोग पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने जाते थे, लेकिन बीते साल दरभंगा में भी एयरपोर्ट बन गया है, जिसके बाद अब लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है चचा चची, उनके लिए दरभंगा एयरपोर्ट जाना आसान है या बागडोगरा एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट की दूरी ज्यादा है या कम है, किस एयरपोर्ट से इन महानगरों का किराया ज्यादा है या फिर कम है, उनके लिए बागडोगरा एयरपोर्ट जाना आसान है या फिर दरभंगा एयरपोर्ट, इन शहरों से किस एयरपोर्ट की दूरी कम है या फिर ज्यादा है, इन सभी सवालों का मिलेगा जवाब। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल ऑटेक इजी को तो सब्सक्राइब करिए जनाब। देखिए भैया जी अब बिना जिलेबी की तरह आपको घुमाए सीधे बताते हैं कि अगर आप कोसी सीमांचल क्षेत्र यानी पूर्णिया अररिया किशनगंज और आसपास के रहने वाले हैं तो हर लिहाज से आपके लिए कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट की बुकिंग मुफीद रहेगी, आपके लिए बागडोगरा एयरपोर्ट जाना आसान होगा या फिर आप दरभंगा कम समय में पहुंच सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोसी सीमांचल के सबसे बड़े जिले और कमिश्नरी पूर्णिया की। अगर आप पूर्णिया और उसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए फ्लाइट लेना बागडोगरा से आसान रहेगा या फिर दरभंगा जाना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोसी सीमांचल के सबसे बड़े जिले और कमिश्नरी पूर्णिया की। अगर आप पूर्णिया और उसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए फ्लाइट लेना बागडोगरा से आसान रहेगा या फिर दरभंगा एयरपोर्ट जाना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। देखिए भैया जी इसको मैप से समझते हैं। पूर्णिया से बागडोगरा की जो दूरी है ना भैया चचा वो 161 किलोमीटर है। वहीं पूर्णिया से अगर दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें ना भैया जी तो ये दूरी बढ़कर लगभग 233 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप पूर्णिया से दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए बागडोगरा की जगह दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 70 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करनी होगी, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा और समय भी ज्यादा लगेगा। ऐसे में अगर आप पूर्णिया या उसके आसपास में रहते हैं तो आपके लिए पैसा या समय दोनों की बचत के लिहाज से जीजा फूफा बागडोगरा एयरपोर्ट ही सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट है। वहीं अगर दीदी भैया आप कोसी सीमांचल के ही दूसरे जिले किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपके लिए कौन सा एयरपोर्ट समय और पैसे के लिहाज से बेहतर साबित होगा अब वो भी जान लीजिए। देखिए भैया जी अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जिसमें 5 घंटे तक का वक्त लगेगा। और यदि आप किशनगंज से बागडोगरा की यात्रा करते हैं तो यह दूरी महज 93 किलोमीटर है, जो आप 2 घंटे से भी कम समय में पूरी कर लेंगे और बिना थके आराम से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। किशनगंज से दरभंगा एयरपोर्ट की दूरी भैया जी बागडोगरा के मुकाबले दोगुनी है, इसलिए अगर आप अपने कीमती समय और मेहनत से कमाए गए पैसों की बचत चाहते हैं तो चचा फूफा आपके लिए बागडोगरा एयरपोर्ट जाना ही बेहतर विकल्प है। इन दो शहरों के कंपैरिजन से भैया जी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसी सीमांचल के अन्य जिलों से भी आपके लिए बागडोगरा एयरपोर्ट ही बेहतर विकल्प है, सस्ता और फायदेमंद है, यहाँ आपके समय और पैसे दोनों की भारी बचत होगी। वहीं मिथिला क्षेत्र के जिलों के लिए ही दरभंगा एयरपोर्ट फायदेमंद है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दरभंगा एयरपोर्ट और उससे जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए और टेक इजी। जय हिंद।